आवाज कोई बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। अभी मैम ने ज्वाइन नहीं किया 5 मिनट मैम में। नहीं है, चुप हो जाओ नम्र। सब चुप है। अच्छा अच्छा सही है। हिरा ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। अली हुसैन मैं ठीक है। तू कहाँ? तबीयत ठीक है? यस मैम आ रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके, क्या हाल है बच्चों? आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोसिस एंड एंटी साइकोटिक एजेंट्स। आप लोगों ने उसको गो थ्रू किया, पढ़ लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर दें और मुझे ये बताएं कि क्या किसी ने है? यस मैम, मैम एक बात ये है कि शिजोफ्रेनिया होता है, वो एक सीवियर स्टेज होती है, तो शिजोफ्रेनिया होता है उसके उसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है हमें। हाँ देखो, साइकोसिस और शिजोफ्रेनिया आपस में लिंक्ड है। अगर मैं साइकोसिस की बात करूँ ना, तो साइकोसिस एक बहुत ही लार्ज ग्रुप है मेंटल डिसऑर्डर्स का, लेकिन शिजोफ्रेनिया थोड़ा सा स्पेसिफिक है। और शिजोफ्रेनिया अगर तुम लोग वो लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करो, तो मैंने बताया था कि उसमें जो यानी शिजोफ्रेनिया जो एक वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि आपका रियलिटी से डिसकनेक्शन हो जाता है ना। तो इसके यस अंदर मैम, बेसिकली डिल्यूशन और हेलुसिनेशंस और इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन यही शिजोफ्रेनिया आगे साइकोसिस को लीड कर सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, क्योंकि साइकोसिस जो है वो एक मेजर ग्रुप है डिजीजेस का। मतलब यूं समझो कि साइकोसिस में डिल्यूशन, हेलुसिनेशंस और आगे फिर मेमोरी और ये सारी चीजें लेटर ऑन ये भी अफेक्ट हो सकती। यस मैम, और बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगहों पे जनरली लोग इसको
सिनोनियम के तौर पर भी यूज कर रहे होते हैं ना, इंटरचेंजेबली भी ये वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं. मतलब बहुत सारे लोग जनरली ये कंसीडर करते हैं कि शिजोफ्रेनिया अगर आपने कहा तो उसको वो साइकोसिस भी कह देते हैं. इसीलिए अगर आप लोग देखें तो इसकी जितनी भी ड्रग्स हैं, यू कैन सी कि हम उनको कहते हैं एंटी साइकोटिक एजेंट्स या एंटी साइकोटिक ड्रग्स, तो इस तरह कहते हैं. लेकिन बीइंग ए फार्माकोलॉजिस्ट, आप लोग अब लास्ट अपने ईयर में हो, फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर में पढ़े रहे हो लास्ट, तो आप लोगों को एक प्रॉपर डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए. हाँ, जो इनिशियल लेवल्स पर अभी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करें उनको ये कहा जाए कि भाई ये सेम है, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये सेम भी है, लेकिन वैसे डिफरेंस है इसमें, यही माइनर सा जो मैंने आपको बताया ना. हेलो. यस मैम. मैम, ये NMDA रिसेप्टर जो GABAergic रिसेप्टर पे लोकेट होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है ग्लूटामेट हाइपोथेसिस में जो आपने बताया था? हाँ, अच्छा, ये कोई बता सकता है, इसका आंसर कर सकता कोई? आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं ना कोई इसकी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कोई आंसर कर सकता है ग्लूटामेट थ्योरी के बारे में, NMDA रिसेप्टर्स पर्टिकुलरली? मैम, NMDA तो ग्लूटामेट मतलब एस्पार्टेट का एक पार्ट होता है ना, तो उसकी वजह से वो लग जाता है, तो उसकी जो GABAergic उसकी जो काम होता है वो उसको मेरे ख्याल में शायद खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट हाइपोथेसिस आती है. अच्छा, ये किसने आंसर किया? बेटा नाम तो बताओ, ये किसने आंसर किया? मैंने मरियम. शाबाश, सही तो किया. तो इतनी कंफ्यूजन की क्या बात है, इसमें सही आंसर किया. अच्छा, और कोई कुछ? थोड़ी सी बस डेफिशिएंसी है, गुड. और कोई बॉयज, तुम लोगों में से कोई आंसर नहीं करेगा? और कोई इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है बच्चों? जी मैम, मुहिबुल्ला है, मुहिबुल्ला से पूछते हैं. मैम. मैम, ये जो शिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम है, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करो मैम प्लीज. वो तो बेटा मैं कर देती हूँ, पिछले क्वेश्चन का तो आंसर होने दो, अभी तो मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ. अच्छा मैम. मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम. अच्छा, चलो बताओ कि ये ग्लूटामेट थ्योरी क्या है भाई. परसों तुम लोगों का क्विज होने वाला है, तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चे? अली हुसैन है? अली हुसैन. यस मैम. यस मैम. चलो अली, तुम बताओ बेटा ये क्या होती है, ग्लूटामेट थ्योरी क्या है? मैम, मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया. तो मेरा बच्चा, परसों तो आपका क्विज है. ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना, ये नबील किसी क्लास में आता है, इनको क्विज पे मसला होता है. इकरा मैम, इसमें और जब हम NMDA चैप्टर को ब्लॉक करेंगे तो जाएगा मैम, इसको NMDA चैप्टर को जब हम ब्लॉक करेंगे तो हेलुसिनेशन इफेक्ट आएगा. और ये
ये NMDA रिसेप्टर्स का जो जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि गाबा का जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर आकर गाबा बाइंड करता है या बेंजोडाइजेपिन बाइंड करते हैं, इसी तरह से NMDA रिसेप्टर्स जो हैं उनके ऊपर ग्लूटामेट बाइंड कर सकता है और ग्लूटामेट उसका मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये ख्याल किया जाता है कि ग्लूटामेट जब NMDA रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है यानी शिज़ोफ्रेनिया का ना। और अगर ऐसी ड्रग्स जो कि इस ग्लूटामेट को टारगेट करेंगी तो फिर साइकोसिस को या शिज़ोफ्रेनिया को, यही वजह ऐसी न्यू थ्योरी आई कि इसके बाद आपको डिफरेंट मैकेनिज्म से काम कर रही। हाँ बेटा बीच में कॉल आ गई थी, मैंने डिस्कनेक्ट। अभी जो ड्रग्स हैं, अब बहुत सारी जो हमारी न्यू एजेंट्स हैं, आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा ओके गुड। तो अब जो न्यू एजेंट्स हैं वो बेसिकली ग्लूटामेट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है? तो ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन थ्योरीज को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है? साइकोसिस क्या है, शिज़ोफ्रेनिया क्या है, इनके डिफरेंस क्या है, इनके कॉजेस क्या है, इनके रिस्क हैं, ठीक है? अच्छा आप कोई क्वेश्चन, शायद अहमद ने पूछा था, किसने पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पूछ रहा था? उमर ने पूछा था। यस यस उमर ने पूछा था। हाँ उमर बेटा पूछो, क्या पूछ रहे थे तुम? कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। उमर आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ उमर क्या पूछ रहे थे बेटा तुम? मैम शिज़ोफ्रेनिया में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम है मैम, इसको थोड़ा जो है ना डिफरेंशिएट करो, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम को शिज़ोफ्रेनिया की जो। Yes, who will differentiate between positive and negative symptoms of schizophrenia? मैम पॉजिटिव में तो यही होता है ना कि वो जो एबनॉर्मैलिटी है उसको एग्जैजरेट करता है। और नेगेटिव में ये होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है फंक्शन में, तो जिसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। मैम पॉजिटिव में तो सिम्टम्स ना एग्जैजरेट होते हैं ना, और नेगेटिव में अनयूजुअल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। नहीं क्या एग्जैजरेट होता है, आप सब लोग यही कह रहे हैं कि एग्जैजरेट होता है। इफ्रा एग्जैजरेट होता क्या है मैम? जैसे हेलुसिनेशंस होती हैं और डिल्यूजंस वगैरह होती हैं। और नेगेटिव में? और नेगेटिव में मैम लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब जो नॉर्मल होते हैं ना तो वो भी ना कम हो रहे होते हैं, मतलब और ये ब्लंटेड इफेक्ट वगैरह आते हैं इसमें। यस गुड। देखो पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब ये है कि जो नॉर्मल आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, जो नॉर्मल बिहेवियर है वो मजीद एग्जैगरेट हो गया है। शाबाश, ये आप तीनों चारों बच्चे जितने भी बता रहे हो सही बता रहे हो। तो उमर आप ये सुन लो कि पॉजिटिव जो सिम्टम्स हैं वो आपके, अब देखो ना हेलुसिनेशन एक नॉर्मल फिनोमेना तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल रिस्पांस का एग्जैगरेटेड रिस्पांस है कि जब आपको फील होना शुरू हो कि हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूशंस हो रहे हैं, ऐसी चीजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं वो नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। लेकिन नेगेटिव, मैंने एक चीज बताई थी बहुत इजी करके कि नेगेटिव का मतलब है एब्सेंस, नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिविटी ना, यानी वो चीज वहां नेगेटिव है, माइनस है, वहां पर मौजूद नहीं है। तो अगर नॉर्मल रिस्पांस जो है या जो नॉर्मल बिहेवियर है वो माइनस हो जाए, वो एब्सेंट हो जाए, तो उसको आप नेगेटिव सिम्टम्स कहेंगे।
फॉर एग्जाम्पल के कोई जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनके अंदर कोई पॉजिटिव या कोई रोल नहीं है किसी इंडिविजुअल का, लैक ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ हैप्पीनेस, पेशेंट के अंदर सैडनेस है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जो उसके नॉर्मल बिहेवियर से माइनस होते चले जा रहे हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. लेकिन एक ऐसे सिम्टम्स जो कि जी जी मैम वैसे ही है ना, जैसे हमने डिप्रेशन में पढ़ा था कि उसकी कमी और ज्यादा दोनों नुकसानदेह होती है, इसी तरह यहाँ पे भी है कि कमी से भी प्रॉब्लम आ सकती है और ज्यादा से भी प्रॉब्लम आ सकती है. एग्जैक्टली शाबाश मरियम. मरियम ने मुझे लग रहा है बहुत अच्छी सी तैयारी कर ली अपने क्विज की, आप लोगों को बता दूं मैं. तो मरियम बिल्कुल सही कह रही है कि अगर वो एक चीज माइनस की तरफ जा रही है या वो एग्जैगरेट होने की तरफ जा रही है तो वो दोनों ही चीजें नुकसानदेह हैं. एक को आपने पॉजिटिव सिम्टम्स कह दिया और एक ने आपको नेगेटिव सिम्टम्स कह दिया. अच्छा अब यहाँ पर मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, कौन मुझे बताएगा कि जो फर्स्ट जेनरेशन है वो ज्यादा पॉजिटिव सिम्टम्स को टारगेट करती है या नेगेटिव को? मैम पॉजिटिव सिम्टम्स. और जो आपके न्यू एजेंट्स हैं जिनको आप अब न्यू एजेंट्स कहते हैं या एटिपिकल एजेंट्स कहते हैं वो नेगेटिव? नेगेटिव. हाँ शाबाश, ये याद रखना, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, ये डिफरेंस पता होने चाहिए. और क्लासिफिकेशन सबने याद कर ली? व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन, कौन बताएगा मुझे फर्स्ट जेनरेशन में कौन कौन से एजेंट्स हैं? मैम फर्स्ट जेनरेशन में तो वही है ना जो हैलोपेरिडॉल वगैरह. भाई अब मरियम के अलावा कोई बताए? हीरा तुम बताओ. और हाई पोटेंसी. हाँ शाबाश. लो पोटेंसी में जो दे रहे हैं थायरोइडाजीन है, क्लोरोप्रोमाजीन है, और हाई पोटेंसी में फ्लोफेनाजीन, हैलोपेरिडॉल, लोजापिन. हैलोपेरिडॉल शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त. और दूसरी जो एजेंट्स हैं आपके जो न्यू एजेंट्स हैं जिनको आप एटिपिकल एजेंट्स कहते हैं उसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं? एडीपी, पिराजोल, एसिनापाइन, क्लोजापिन, हैलोपेरिडॉन, लोरासिडॉन. यस क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, ये सब इस क्लास में आती हैं. और इनके एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स कैसे हैं, कम है ज्यादा है? मैम फर्स्ट जनरेशन के ज्यादा है, सेकेंड जनरेशन के कम है. यस वेरी गुड, फर्स्ट जेनरेशन के ज्यादा हैं या जिनको आप टिपिकल एजेंट्स भी कहते हैं उनके ज्यादा हैं. जो आपके सेकेंड जेनरेशन है जिनको आप एटिपिकल एजेंट्स कहते हैं उनके कम हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स होते क्या है? हीरा तुम बताओ. हीरा है? हीरा तुम बताओ भाई, ये एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? आवाज आ रही है मेरी? शाफिया तुम बताओ. क्लास कैन यू हियर मी, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मिस. हीरा है क्या या शाफिया? अच्छा चलो कोई और आंसर कर दे अगर शाफिया और ये हीरा नहीं है तो. मैम जितना मैंने पढ़ा था उसमें लगे एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स वो होते हैं जो ना मतलब उसके साइड इफेक्ट्स और एंटीसाइकोटिक्स आने शुरू होते हैं जिसकी वजह से अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स वगैरह होती हैं. इनवॉलंटरी पोस्चरल मूवमेंट्स होती हैं. यस मैम. ये क्यों होते हैं?
कैसे रिलेट करोगे इसको? बच्चों बताओ भाई, ये क्यों होते हैं एक्स्ट्रा पायरामिड आते हैं? डी टू रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने की वजह से वो जो के हाँ बिल्कुल यस, डी टू रिसेप्टर्स के ऊपर मेन इफेक्ट है भाई फर्स्ट जेनरेशन का, ब्लॉक हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स आते हैं। हाँ बिल्कुल लिप्रा सही कह रही है। और मैम सेकंड जनरेशन में सेरोटोनिन और डी2 दोनों थे तो इस वजह से उसमें कम आते हैं। पता है मैं तुम लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि आप लोगों ने एडवर्स इफेक्ट को बहुत अच्छे से कोरिलेट करना है फर्स्ट जेनरेशन के भी और सेकंड जेनरेशन के भी। अगर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने एंटीसाइकोटिक एजेंट्स नहीं पढ़े, क्योंकि उनके एडवर्स इफेक्ट बेस्ड करते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, एक दो को छोड़कर। और वो एक दो कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन जनरली उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिस पे ही एडवर्स इफेक्ट आते हैं। और अगर आप देखें तो जितने भी आपके फर्स्ट जेनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं उनकी वजह से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, बिकॉज दे आर पोटेंटली ब्लॉकिंग द डी टू डोपामिन रिसेप्टर्स। और जब ये डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो इनका पाथवे मौजूद है जो एक्स्ट्रा पायरामिडल आपकी ट्रैक्स हैं। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ट्रैक होती हैं, एक पायरामिडल ट्रैक्स और एक एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक। और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्स का ताल्लुक आपकी मूवमेंट से है, जो आगे अभी तुम लोग पार्किंसंस में भी पढ़ चुके हो, और ये दोनों टॉपिक भी इसीलिए मैंने साथ साथ कर दिए थे ताकि आप लोग देख सकें। तो इसकी वजह से जब ये D2 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो फिर मूवमेंट के इश्यूज बहुत आते हैं, और यही चीज आगे पार्किंसन में आती है क्योंकि वहां पर डोपामीन की डेफिशिएंसी हो रही होती। ठीक है? ओके मैम, भाई समझ आ गया? ये एक दो बच्चों के अलावा बाकी क्लास जो यहाँ मौजूद है कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या बस ये दो चार बच्चे कुछ सवालात सुन पढ़ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, बाकी क्लास क्या कर रही है? मैम ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है ये एक्स्ट्रा पायरामिडल से ही कोरिलेट है या फिर अलग है? नहीं, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम बिल्कुल अलग है, उसका ताल्लुक एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स से नहीं है। वो इसमें मसल यस वो एक ऐसा सिंड्रोम है जो आप समझ लें कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ऑल्दो कि इसके अंदर जो है मसल्स का और ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जिस तरह से स्टेटस एपिलेप्टिकस को हमने एंड पे डिस्कस किया था कि वो इमरजेंसी सिचुएशन है, इसी तरह से न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम भी, जब भी लव्ज मेलिग्नेंट का आता है ना, याद रखना बच्चों के जब भी वर्ड मेलिग्नेंट का आता है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जैसे मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की बात भी की थी, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में भी इतना ही ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होता है, और वो मेलिग्नेंट का मतलब ही यही है, मेलिग्नेंट मीन मेलिग्नेंसी कैंसर या कैंसरस या एबनॉर्मल ग्रोथ को इंडिकेट करी होती है। तो ये भी न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम है और मेलिग्नेंट टाइप है, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसके सिम्टम्स आप लोग याद कर लें कि क्या क्या होते हैं। ओके मैम, ठीक है, इज दैट क्लियर? Okay, अच्छा yes, एक और स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे पता नहीं है किस उस बच्चे का नाम, मुझे पता नहीं, नंबर मेरे पास सेव नहीं है, इवनिंग का या मॉर्निंग का, वो मुझसे व्हाट्सएप पे उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछे थे। आई डोंट नो कि वो कौन है, अगर उसने, मैंने कहा था कि इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी सुन सके। और पूछा उन्होंने यही था जो ये दो चार पॉइंट डिस्कस हो भी गए हैं, बेसिकली साइकोसिस। और उमर तुमने पूछा था? मैं नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा बस ठीक है, फिर क्लियर हो गया ना, मेरे ख्याल से यही वाले पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स को ही पूछा था, और मैंने ये कहा था कि क्लास में डिस्कस कर लेना
ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी उस चीज का फायदा हो जाएगा। और मैम हमारे क्विज में क्या आएगा, एमसीक्यूज या क्विज में तुम लोगों के इस बार एमसीक्यूज भी होंगे और कोई एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे जिसमें आप लोगों को टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है मैम, टाइपिंग के क्वेश्चन थोड़ा टाइम फिर हाँ टाइम उसके अकॉर्डिंगली होगा बेटा, टाइम उसके अकॉर्डिंगली होगा। जाहिर है कि टाइपिंग में तो थोड़ा टाइम चाहिए ना, जिसमें आप टाइप करके यू कैन आंसर इट। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। अच्छा और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई और कंफ्यूजन है इस टॉपिक के हवाले से? इज देयर एनी क्वेश्चन? सितारा कुछ पूछ रही हो? नो मैम। ओके अच्छा बच्चों आप लोग नेक्स्ट वीक भी, अच्छा ओके नेक्स्ट वीक भी आप लोग यही ध्यान में रखिएगा कि नेक्स्ट वीक अब आप लोगों का पार्किंसन का क्विज होगा थर्सडे को ही। ओके मैम, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों का लाइव सेशन एक ट्यूसडे को होगा और एक फिर फ्राइडे को होगा। ये मैंने दो दिन आप लोगों के फिक्स कर दिए 3:00। ओके ठीक है बेटा, फिर और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एंड कर दूं सेशन को? सही है बच्चों, कंफर्म? कोई मसला तो नहीं है, अच्छे से तैयारी कर लोगे ना आपको इसकी, अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ओके क्लास अपना ख्याल रखें और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर क्विज। अल्लाह हाफिज बच्चो।